90 के दशक में जिस वक्त जूही चावला, रवीना टंडन, माधुरी दीक्षित और शिल्पा शेट्टी जैसी अभिनेत्रियों का राज था, उस वक्त एक ऐसी एक्ट्रेस ने एंट्री की थी जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इस अभिनेत्री को देख लोगों को लगने लगा था कि जल्द ही बाकी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। ये एक्ट्रेस थी पूजा बत्रा। मिस इंडिया एशिया पैसिफिक रही पूजा बत्रा फिल्म विरासत से बॉलीवुड में आई। इस फिल्म में पूजा के साथ तबु जैसी टैलेंटेड हीरोइन थी। फिल्म में पूजा का कोई बड़ा रोल नहीं था, बावजूद इसके उनकी परफॉर्मेंस को नोटिस किया गया। ये एक्ट्रेस भी पूजा बत्रा। धीरे धीरे पूजा बत्रा का सक्सेस ग्राफ बढ़ने लगा और इसी के साथ वो बाकी स्टार्स की भी पसंद बन गई। पूजा बत्रा ने अपने करियर में अनिल कपूर के अलावा गोविंदा, संजय दत्त और अक्षय कुमार जैसे कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया। अक्षय के साथ तो पूजा बत्रा के लव अफेयर की चर्चे भी उड़े। दोनों के रिलेशनशिप की खबरें बॉलीवुड गलियारों में खूब चटकारे लेकर सुनी जा रही थी, लेकिन पूजा बत्रा और अक्षय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों एक दूसरे पर फिदा थे। पूजा ने अक्षय के करियर को संवारने में खूब मदद की। सब अच्छा चल रहा था और चाहिए भी क्या था, प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल लाइफ सब ट्रैक पर था। लेकिन जल्द ही उनका और अक्षय का ब्रेकअप हो गया। कहा गया कि अक्षय ने किसी और के साथ अफेयर के चलते पूजा बत्रा से ब्रेकअप कर लिया। इसकी टीस पूजा बत्रा के दिल में रह गई। पूजा बत्रा इससे काफी टूट गई और फिर कुछ समय बाद ही उन्होंने NRI से शादी कर ली और लॉस एंजल्स चली गई। उन्होंने एक्टिंग छोड़ समाज सेविका का काम शुरू कर दिया। पूजा बत्रा ने मुक्ति फाउंडेशन के जरिए एड्स बेघर बच्चों तक की मदद की। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर में घायल हुए जवानों की भी मदद की। पहले पति के साथ भी पूजा का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और 8 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। 4 जुलाई को पूजा ने एक्टर नवाब शाह को डेट करने के बाद शादी कर ली। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं।